Hello everybody, welcome to class first. How are you? I hope you are fine. Today's our topic is ascending and descending order. आज का हमारा टॉपिक है ascending और descending order. Mean of ascending order. अब ascending order होता क्या है? Ascending order हम कहते किसे हैं? Look at the numbers. इन numbers को पहले देखो आप. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर दिए हुए हैं. इट मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा और ऐसे बड़े बड़े होते हुए लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है. इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ. यानी ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 छोटे से धीरे धीरे बढ़ते हुए हम बड़े तक पहुंचते हैं. यानी कि फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर इज असेंडिंग नंबर. समझ में आ गया? जो सबसे छोटे से धीरे धीरे हम बड़े की तरफ बढ़ते हैं वही हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है. अब इनको हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं. जैसे ये है 7, 2, 6, 1 तो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इनको हमें सही ऑर्डर में राइट करना है. तो देखो कैसे राइट करेंगे. यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे छोटा हमारा नंबर कौन सा है. सबसे छोटा इसमें नंबर है हमारा 1, फिर उसके बाद 2, 2 के बाद यहाँ पे कौन सा बड़ा नंबर है, 7 या 6 में से 6, फिर उसके बाद में है सबसे लास्ट में यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 7. तो जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा 1, 2, 6, 7. नेक्स्ट देखो 9, 7, 3, 8, 2 इसे भी हमें अरेंज करना है. सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2, फिर उसके बाद 3, 3 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर है 7, 8 एंड 9. तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास ऐसे सेट होगा. ये आपके लिए होमवर्क दिया है हमने असेंडिंग ऑर्डर का घर पे सेट करने के लिए. देखो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. 5, 3, 9, 2, 6, 8, 5, 6, 7, 2 और थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है 9, 4, 1, 5, 3. ये आपको होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में ये वर्क करना है.